ताजी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धासु खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। क्या? हाँ मैडम, ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में इसकी लॉन्च पार्टी का मेंशन है। और ये जो डायरेक्टर है शंभू स्पिलबर्ग, क्या पार्टी थ्रो कर रही है लॉन्च की खुशी में, पता है आपको? और इसने अपने इंटरव्यू में साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो फिल्म है ये दो फीमेल कॉप्स की रियल लाइफ पे बेस्ड है। एक फीमेल कॉप जो बहुत ही हाई टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब? अरे मैडम, गुस्सा तो पता है ना आपको। और दूसरी फीमेल कॉप जो इमोशंस के साथ अपने केसेस को हैंडल करती है। मेरी कहानी पे फिल्म बना रहा है पुष्पा जी। मैं राइटर बन गया। बदनाम, मैं राइटर बन गया। मेरी कहानी सिलेक्ट हो गई। इकबाल, बदनाम, यहाँ खुशखबरी। मेरी कहानी सिलेक्ट हुई। मैं राइटर बन गया। वाह, क्या बात। अरे यही बात है, आज मेरा बिल्लू निवास थाने में है, कल थाना बिल्लू निवास में होगा, इतनी बड़ी जगह लूंगा मैं। ये आज तक की उधारी के सारे पैसे चुकना, मुंह इधर कर, ये ले। नहीं तो ये बोलेगा ना कि इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बना है और मेरे चाय के पैसे मार दिए। अबे सुनेगा? तू बोल। देख, मेरा पहला इंटरव्यू मैं तुझे ही दूंगा और बोलूंगा कि देखो मैंने स्क्रिप्ट ना बहुत ही बेकार हालत में लिखी है, मेरे बिल्ली निवास में लिखी है। तो अबे ओ बिल्लू, क्या हुआ? अबे इसमें कहीं तेरा नाम ही नहीं लिखा राइटर में। क्या? हाँ देख ले, क्या राइटर और डायरेक्टर में शंभू स्पिलबर्ग का नाम लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, डायरेक्टर ने इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है कि ये स्क्रिप्ट उसकी है, उसी ने लिखी है और उसी ने सोची है। फालतू में नन्ना भालू जैसा कूद रहा था बिना मतलब का। अरे अब तक हमको बेवकूफ बना रहा था, अच्छा जो उधारी मिल गई। इधर ला। इतनी जरी ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन क्या इस शंभू स्पीलबर्ग ने तुम्हारी कहानी चुरा ली? अब राइटर्स में तो हर जगह इसी का नाम है मैडम। लगता है बहुत जोर का सदमा लगा है बेचारे को। मिल गया दवाई, इसको भी ठीक रहेगा ना रे। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी कहानी का कॉपीराइट है? शंभू स्पीलबर्ग ने भी यही सवाल पूछा था, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। मतलब नहीं है? मतलब इसका कोई मतलब नहीं? नहीं, बिल्लू जी, कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी भी कहानी, किरदार, गाना या आर्टिकल, जितनी भी आपकी अपनी रचना होती है, उस पर कानूनन अधिकार करवाना। उसके बाद आपके अलावा आपके परमिशन के बिना उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे हम बैंक के लॉकर में कैसे हमारा सामान सेफ रखते हैं, है ना, ठीक वैसे ही रजिस्टर करवाने के बाद, कॉपीराइट हासिल करने के बाद आपकी जो क्रिएटिव चीज़ है ना, वो कानूनन महफूज हो जाती है। फिर इन जैसे चोरों से हम कानूनन निपट सकते हैं, कंप्लेन फाइल हो सकती है, सजा दिलवाई जा सकती है, हर्जाना वसूल किया जा सकता है। मैंने तो कॉपीराइट करवाया नहीं, हर्जाना क्या, मरजाना ही बाकी। तो ये चोर शंभू स्पीलबर्ग नाम भी चोरी का लेके घूम रहा है, इसको ना इसकी करतूत की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कंटाप मारेंगे ना इसको कि अपना करतूत भी कबूल करेगा और अपना हर स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा इसकी तो। मैडम सर, आप इन्हें करिश्मा सिंह कानून जानती हैं? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह अच्छे से जानती हैं कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया है कानूनन वो कोई गुनाह नहीं है, और फिर भी अगर हमने उस पर हाथ डाला तो हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा वो हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। I'm sure करिश्मा सिंह ये बात अच्छे से जानती हैं। फिर आप ही बताइए मैडम सर कि क्या करना चाहिए हमको, का इलाज है इस डायरेक्टर का?
ऐसा इलाज कि कोई भी किसी का हक मारने से पहले ना 100 बार सोचे। इसका जवाब भी हम देंगे करिश्मा सिंह, एक बार जरा लॉयर से बात हो जाए। पहले तशरीफ पे रख, बैठ के बात करते हैं। अरे भाई तू ऑफिस के अंदर कहाँ से आया? ऑफिस तो बाहर के बंद है ना। अरे हरे ताला, मुझे पहचान वाला है, मैं पुराना खानदानी चोर हूँ। था चोर था, मुझे तो लगता था सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर तू निकला। और लाश क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, और मैंने छुड़ा इससे। अरे नहीं राइटर, छोड़ दे यार मेरी कहानी, मेरी कहानी लौटा दो। बहुत मेहनत से लिखी है मेरी कहानी, मेरी कहानी, मेरी कहानी लौटा दो। तू शंभू पीलबर्ग ना हाथ डालिया हुए, रुक इत्थे, मैं तैनू दिखावांगा, रुक रुक जाओ। ए मेरी कहानी। ओ हेलो, ओ बुलबुल पांडे वा इंस्पेक्टर, ओ इत्थे शंभू पीलबर्ग बोल रहा हूं। ओ आ गया जी तुहाडी एंट्री दा टाइम, बोल दो जी एक्शन भगवान का नाम लेके। सर मुझे यहाँ से निकाल दीजिए सर, मुझे अपने थाने में रखो, मैं वहाँ ना एकदम अकेला पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं भाग के जाऊंगा, आपकी कसम, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नो सर, नो सर। यस सर, यस सर। अरे चुप करा, बड़ा आया थाने वाला। अरे यहाँ से कहीं जाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा, कह देते हैं। नहीं 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 नहीं, नीच के नीचे देखिए सर, चाय रखा है, गिर जाएगा। सर बिस्किट दे आपको। मैडम सर आ गए, मुझे निकालने के लिए, मुझे निकल। मैडम सर आइए आइए, हसीना मैडम आइए। अरे पता था हमें आप आएंगी। अरे वो कहाँ है, हंटर वाली 77 ऐसा ही करिश्मा मैडम दिखाई नहीं दे रही, आई है क्या? जान सकते हैं बिल्लू चंपत को आपने किस जुर्म में अरेस्ट किया? अरे काहे नहीं जान सकते, जरूर जान सकते हैं। कहाँ कहाँ, ये देखिए एफआईआर, खुद ही देख लीजिए। चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है आपका लाडला कैदी। अरे फिल्म डायरेक्टर शंभू पीलबर्ग के यहाँ चोरी करते हुए और फिर पकड़े जाने पर फौजदारी करते हुए धरे गए हैं आपके ये प्यारे बिल्लू चंपा। झूठ। हमारा मतलब है सर कि एफआईआर में झूठ थोड़ा ना लिखते हैं, सब कुछ तो सच ही होता है। देखिए नॉन वैलेबल ऑफेंस है, जानती होंगी आप ना, मतलब यहाँ से सीधा कोर्ट में जाएंगे और 3-4 साल का सजा तो फिक्स है, बाकी तो जज का मूड है। मैडम सर मैंने कोई चोरी नहीं की, बिल्कुल नहीं चोरी की है। चुराया है ना? क्या? मेरा दिल। अरे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रखो। मैडम सर प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसा नहीं किया है। मैडम सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, निकालो प्लीज। बिल्लू क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की? हमने कहा था ना कि हम लॉयर से बात कर रहे हैं। मैडम सर वो इकबाल और बदनाम ने कहा ना। क्या कहा? डायरेक्टली जाके बोलो। क्या बोलो? सड्ढा का ठिरक। देखिए शंभू स्पीलबर्ग ने बिल्लू चंपत की कहानी चुराई है। ये बात तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा मैडम, घर से कोनो सामान चुरा सकता है, रोड से गाड़ी चुरा सकता है, कहानी कोई कैसे चुरा सकता है बताइए। अरे कैसे का क्या मतलब है, ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन बात है, लोग एक दूसरे की कहानी क्रेडिट चुरा लेते हैं। वो कैसे? जैसे तू मेरा क्रेडिट चुराता है ऐसे सर आप हमको कहते हैं ना कई बार। हम समझाते हैं, देखिए मान लीजिए कि हम एक डायरेक्टर हैं, आप एक राइटर हैं, आप अपनी कहानी हमें सुनाने आए, हमने कहानी सुनकर कहानी रिजेक्ट कर दी और आपको वहां से भगा दिया, लेकिन आगे जाकर उसी कहानी पर हमने एक बहुत बड़ी सी फिल्म बनाई, फिल्म ने लाखों करोड़ों का कारोबार किया और वो सारे पैसे हमें मिल गए, लेकिन राइटर को तो कुछ नहीं मिला ना, उसके साथ तो धोखा हुआ। कहानी सुनाने का पैसा कौन देता है? अरे ऐसे तो हमारी दादी सारे मोहल्ले को कहानी सुनाती थी, उनको तो कभी किसी ने पैसा नहीं दिया। बुलबुल पांडे आपकी दादी की कहानियों पर फिल्में नहीं बनती, वो लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं करती। जिस स्क्रिप्ट पर शंभू स्पीलबर्ग फिल्म बना रहा है वो कहानी बिल्लू चंपत की है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिल्लू की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसके मेन किरदार हैं हम और करिश्मा सिंह। अच्छा तो ये मुद्दा है, मतलब खाना प्रतियोगिता जीतने का ये प्रपंच प्लान बनाए हैं आपने? क्या ना, मतलब खुद पर फिल्म बनाकर अपना थाना का उत्कृष्ट छवि बनाकर ये कंपटीशन जीतने का प्लान बनाया जा रहा है। लानत है तेरी सोच पे। हम पे सर, हम पे लानत है, हम अगर ऐसा सोचे होते तो आप हमको यही बोलते ना। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे,
आपको कुछ भी समझाना वक्त की बर्बादी, लेकिन हम जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सच, मोहब्बत और सैलाब किसी के रोकने से नहीं रुकते, अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। और सच ये है कि ये कहानी बिल्लू चंपत की है और शंभू स्पीलबर्ग ने इसे चुराया है। ये सच भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, वरना हम तो हैं ही, हम इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैडम सर, आप ये सब मेरे लिए एक चोर के लिए कर रहे हैं? नहीं बिल्लू, हम अपने प्यारे बिल्लू चंपत के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि हमारे महिला पुलिस थाने का अब एक हिस्सा बन चुका है और हम उसका परिवार बन चुके हैं, और फिलहाल इसे अपने परिवार की जरूरत है। बिल्लू, तुम बस एक चीज याद रखो कि तुम चोर थे और ये स्पीलबर्ग अब चोर है। कितना खाली खाली लग रहा है ना थाना बिल्लू के बिना। हमसे तो लॉकअप देखा नहीं जा रहा है, वो रहता था तो रौनक रहती थी थाने में, सबका मन लगाए रखता था। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद आ रही है बिल्लू की। जब वो होता था तब एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता था, अब जब नहीं है तब उसके बिना एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होगा। उफ, ये मासूमियत। मतलब अलग लेवल का चिंता कर रही है संतोष जी। कौन सा अलग लेवल का चिंता? मैडम, हमारे कहने का मतलब है कि बिलोटे को कैसे भी करके ना बुलबुल पांडे के फंदा से बचाना पड़ेगा। बस फंदा कैसे? वो तो जेल में बंद है चीटी। उफ, अफसोस कि हम कानूनन कुछ भी नहीं कर सकते। किसी तरह अगर उस शंभू स्पीलबर्ग का कन्फेशन मिल जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तब तो कुछ बात बने। मगर कैसे मैडम सर, वो शंभू स्पीलबर्ग कैसे मानेगा कि उसने स्क्रिप्ट चोरी की है? अगर हम छुपके से उसके ऑफिस में जाए और चुरा ली वो स्क्रिप्ट वापस तो? संतु जी, आपका मासूमियत जो है ना प्रकाष्ठा लेवल पार कर रहा है, लेकिन मासूमियत ना अपनी जगह पे है, लेकिन इसका कभी कभी प्रतिक्रिया जो है ना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा। मतलब क्या? मतलब ये कि स्क्रिप्ट किसी का भी हो, उसका मालिकाना अधिकार उसी का ही रहेगा जिसके नाम पर ये स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होगा। समझ रही हो अब? हाँ हाँ, ये मैं भूल ही गई थी, सॉरी। ऐसा कुछ हो कि कोई शंभू स्पीलबर्ग के करीब जा सके, शंभू को उस पर भरोसा हो जाए और फिर उस भरोसे में आकर वो उस आदमी से कन्फेस कर दे कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है तो? मगर कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। शंभू स्पीलबर्ग की लेटेस्ट न्यूज है, वो अपनी नई फिल्म के लिए लीड कैरेक्टर्स ढूंढ रहा है और उसे स्मॉल टाउन की फ्रेश फेस चाहिए। इनफैक्ट कल से ऑडिशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आगे बोलो, आगे क्या? तो अगर हमारे यहाँ से कोई दो लोग ऑडिशन के लिए जाए वहाँ पे और सिलेक्ट हो जाए हीरोइन के लिए, तो कन्फेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। सॉरी संतु जी, आज सुबह नाश्ता में क्या खाकर आई थी आप? क्यों ऐसे? प्लीज बताइए ना, प्लीज। जानते थे कि अब सिंघाड़ा खा कर आएंगे, तभी आपके दिमाग में ना इतना बेहतरीन आइडिया फूटा है। संतु जी, हमारा बात मानिए, पूरा दिन में ना 1.5-2 दर्जन सिंघाड़ा खाया कीजिए आप। संतु, क्या आइडिया दिया है तुमने? हाँ, ये बहुत बढ़िया है मैडम सर, बहुत बढ़िया। एक तो हम हो गए और दूसरा देखो कौन आ सकता है। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता है कि ये हीरोइन के रोल के लिए आप थोड़ा छोटी हैं अभी? छोटी? अच्छा ठीक है, फिर लगेंगे शायद, क्योंकि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता ना। वैसे आप दोनों क्यों नहीं कोशिश करती? हाँ मैडम सर। कहाँ? हाँ संतु, हम तुमको कहाँ से एक्टर दिखते हैं? हमसे नहीं होता ये एक्टिंग, और जितनी बार हमने एक्टिंग करना चाहा ना, हमने चूरन कर दिया पूरे 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 मिशन का। हमसे नहीं होगा ये, और ये प्रोफेशनल लोगों का काम होता है ना, तो आप कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर देख लीजिए ना, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे।
हाँ हाँ करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इस तरह का नाटक हम नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं होगा। अरे मैडम सर कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और वैसे आप दोनों को क्या करना है, आप जैसी है वैसे ही तो निभाना है। हाँ जज्बाती हसीना खड़ूस करिश्मा, मतलब बिल्लू ने आप दोनों को सामने रख कर ही तो ये कहानी लिखी है ना, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना, हम आपको सिखाएंगे अभिनय, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, नहीं समझो हो गई, तो हम रहेंगे ना वहां आपकी छोटी बहन के किरदार में, सब संभाल लेंगे। आप क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ कह दीजिए हाँ। अच्छा लेकिन हमारे चेहरों का क्या, हमें खास तौर पर करिश्मा सिंह को तो पूरा शहर जानता है। इसका इलाज भी है मेरे पास, आप दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा, इनफैक्ट आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। हाँ? जज्बात से काम लीजिए करिश्मा सिंह। जज्बात? जज्बा हाँ, जज्बात से काम लीजिए। जज्बात से वो और क्या था, हमारा तजुर्बा ऐसा कहता है। करिश्मा सिंह रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, सब ठीक होगा। हेलो जी। हेलो हेलो सर। हेलो सर, ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट। तो देखो जी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव जज्बाती एक्शन पैक्ड फिल्म, उसका नाम होगा हेजल मीट्स कैरी। बाबा सर बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू जी, थैंक यू। और जैसा नाम बता रहा है मैनू लगनी है दो हीरो, ठीक है जी। स्टोरी के हिसाब से कैरी जो है ना वो एक बहुत ही गुस्से वाली खतरनाक थानेदारनी जिसने पूरी पिक्चर विच दांत घुसे चलाए, ते हेजल जो है जी वो बहुत ही जज्बाती इमोशनल थानेदारनी, उसने सारी फिल्म विच जज्बात चलाड़ी। तो ऑडिशन भी दो कैटेगरी विच होने, हेजल ते कैरी वास्ते। हेजल वाली एथे आएगी राइट साइड में, ते कैरी वास्ते एथे लेफ्ट साइड में। आप एथे आओ राइट साइड में, आइए आइए। आप एथे लेफ्ट साइड में, आइए आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। एथे लेफ्ट साइड में। तुसी एथे आओ लेफ्ट साइड में। सर वो तो कर कैरी की साइड है। तो हमें लगता है कि हम हेजल के पार्ट के लिए बेहतर है, हमें यहीं आना चाहिए। खबरदार हो,
एक कदम जो आगे बढ़ाया। कैलाश? कैलाश सर। और जो भी है इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सर आप है। राइटर कौन है? आप। तो ये बता, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी कुड़ी कौन सा रोल करेगी? सर आप करेंगे। तो बता एनु, कौन खड़ा है इतने सामने? और बड़े बड़े डायरेक्टर दी पुंगी बजा दिया मैंने। तो पुंगी से याद आया, तेरी भाभी फोन करना है, तो मैं यूं आया। कितना बेशरम इंसान है ये। एक तुम्हारे बिल्लू का स्क्रिप्ट चुरा लिया, ऊपर से सीना ठोक के बोल रहा है कि इसका स्क्रिप्ट है ये। इसने अपना मूवी में नकली एक्शन तो बहुत कराया होगा, अगर हमारा पेशेंस जवाब दे गया ना तो इसको बताएंगे असली एक्शन क्या होता है। करिश्मा सिंह प्लीज रिलैक्स, आप अपना मकसद मत भूलिए। हमारा मकसद है कि हमें लीगली इस बात को प्रूफ करना है कि जिस स्क्रिप्ट पर ये स्पीलबर्ग काम कर रहा है वो स्क्रिप्ट बिल्लू चंपक की है, और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कीमत पर हमें इसका कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन के लिए हमें इसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। सो प्लीज़ फोकस एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड कंट्रोल योरसेल्फ। जी मैडम, क्या सोच रही हैं, रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो शंभू सर जैसा कहते हो वैसा कीजिए, वरना तो रोल तो जाएगा आपके हाथ से। चुपचाप यहाँ जाके खड़े हो जाइए। जी जी हाँ आइए। किसी हथे आओ, राइट साइड में इधर हेजल पर, ये हेजल का लाइन है ना, हम वो कर कैरी कि कैरी, हम कैरी हैं, मतलब हमको जज्बात समझ में नहीं आता है सर, हमको ये जज्बाती जो माइंडसेट है ना यही हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने एक्शन भी सीखा हुआ है, हमको लगता है कि हम उसके लिए ठीक होंगे। ओ इसी वास्ते मैं माल टाउन फिल्म बनाना ही नहीं चाहता। सही कह रहे हैं सर। ओ ये छोटे शहर के लोग ना साड़ी बड़ी बातें समझ ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं, हर बात में शक, हर बात में ईगो, और ये कभी आगे नहीं जा सकते। ओए और तू छोड़, कोई और देख। नहीं 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 सर 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 सर, हमको करनी है आपकी मूवी, आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आपके साथ काम करना है हमको। हम करेंगे, हम जज्बात से काम करेंगे, हम याद हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।